WWE के 5 सुपरस्टार जिनको स्टेफनी मैकमैन पूरे ऑडियंस के सामने थप्पड़ मारकर बेइज्जती कर चुकी है, तो इस वीडियो में देखेंगे वो कौन सा सुपरस्टार थे। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, जब स्टेफनी मैकमैन ने सबके सामने जॉन सीना को थप्पड़ लगा दिया। दरअसल सर्वाइवर सीरीज 2014 के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रहा था और रिंग में मौजूद थे ट्रिपल एच, सेथ रॉलिंस, मार्क हेनरी और केन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार। और जॉन सीना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आते हैं और रहते ही ट्रिपल एच को बेइज्जती करने लगते हैं और अपने पति की बेइज्जती को सह नहीं पाती है, इसलिए गुस्से में आकर जॉन सीना को एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद हमें एक ब्रॉल भी देखने को मिला था। नंबर 4, जब स्टेफनी मैकमैन ने बिग शो को थप्पड़ जड़ दिया। 7 अक्टूबर 2013 के रॉक एपिसोड में बिग शो अपने बॉस को नॉकआउट करते हैं, यानी ट्रिपल एच को वो नॉकआउट कर देते हैं और इसीलिए स्टेफनी मैकमैन बिग शो को समझाने के लिए आती है। स्टेफनी बोलती है कि तुमको मेरे पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर बिग शो हंसकर उनके मजाक उड़ाने लगते हैं और इसी से गुस्सा होकर स्टेफनी मैकमैन 2-3 थाप देती है जोर जोर से बिग शो के गालों पर और उसके बाद WWE कंपनी से बिग शो को फायर कर देती है। साल 2014 में बटिस्टा काफी लंबे समय बाद WWE में रिटर्न किए थे और उसी साल उन्होंने रॉयल रंबल को भी जीता था, इसीलिए उनको वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच मिलना था। एक बार रैंडी ऑर्टन और स्टेफनी मैकमैन दोनों रिंग में मौजूद होते हैं। बटिस्टा स्टेफनी मैकमैन से बोलते हैं कि मैं WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूं और मैं किसी भी सुपरस्टार को हरा सकता हूं, और रैंडी ऑर्टन मैं तुमको भी हरा सकता हूं और स्टेफनी मैकमैन मैं तुम्हारे पति को भी हरा सकता हूं। वैसे भी रैंडी ऑर्टन तुम स्टेफनी मैकमैन के पालतू कुत्ते हो और ट्रिपल एच जोरू का गुलाम है, और ये बात सुनकर स्टेफनी मैकमैन काफी गुस्से में हो जाती है और एक थप्पड़ जड़ देती है बटिस्टा के गाल पर। उसके बाद स्टेफनी चली जाती है और ये सब चीज देखकर रैंडी ऑर्टन काफी खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और बटिस्टा ने एक जोरदार स्पीयर देकर उनको रिंग के बीच बीच ढेर कर दिया। नंबर 2, जब स्टेफनी मैकमैन ने रॉक को भी थप्पड़ जड़ दिया। रेसलमेनिया 31 में स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच रिंग में मौजूद होते हैं और उतने में रॉक आते हैं और रॉक रिंग में आने के बाद बोलते हैं WWE यूनिवर्स से कि काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और तुम लोगों ने भी मुझे काफी मिस किया होगा। तो इतने में ट्रिपल एच बोल देते हैं कि तुम जैसे बेकार सुपरस्टार को कौन मिस करेगा, और इसी बात को लेकर दोनों में गर्मा गर्मी हो जाती है और इसी बीच इस झगड़े को रोकने के लिए स्टेफनी मैकमैन आ जाती है और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। रॉक गुस्से में स्टेफनी मैकमैन को बोल देते हैं कि पापा की परी तुम इस सबसे दूर रहो वरना एक गुस्सा पड़ेगा तो सारी बत्तीसी तुम्हारी बाहर निकल जाएगी, और अपनी हस्बैंड और खुद की बेइज्जती को वह सह नहीं पाती है, इसीलिए भारी ऑडियंस के सामने रॉक को भी थप्पड़ लगा देती है। नंबर 1, जब स्टेफनी मैकमैन ने रोमन रेंस को भी पूरी ऑडियंस के सामने थप्पड़ लगा दिया। दरअसल 14 दिसंबर 2015 के रॉक एपिसोड में स्टेफनी मैकमैन आती है। स्टेफनी मैकमैन बोलती है कि तुम मेरे पति पर अटैक नहीं किए हो, तुम इस कंपनी के बॉस पर अटैक किए हो, इस कंपनी के सीईओ पर अटैक किए हो। दरअसल पिछले रॉक एपिसोड में रोमन रेंस ट्रिपल एच को स्पीयर देते हैं और इसी बात को स्टेफनी मैकमैन इस टाइम रिंग में दोहरा रही थी। तो रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं किसी को भी पीट सकता हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं पीटूंगा ही पीटूंगा। तो स्टेफनी मैकमैन बोलती है कि ये कंपनी मेरा है, इसमें जितने भी सुपरस्टार काम करते हैं वो सब मेरे पालतू हैं, जैसे तुम मेरे पालतू कुत्ते हो। रोमन रेंस बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ, वैसे ही ट्रिपल एच भी तुम्हारा पालतू कुत्ता है। और इस बात को सुनकर स्टेफनी मैकमैन काफी गुस्से में जाती है और रोमन रेंस को लगातार 5-6 थप्पड़ लगा देती है। तो यही वो 5 मौके थे जब स्टेफनी मैकमैन ने भारी ऑडियंस के सामने सुपरस्टार को थप्पड़ लगाया था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।